जी आपके साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं और ये लखनऊ से हैं, आनंद कुमार जी हैं हमारे साथ। आनंद जी नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार बताइए। आनंद जी क्या सवाल है आज का आपका? मैम, मेरा सवाल है BHEL को किस लेवल पर बाई करना है और मदरसन संवर्धना मदरसन सुमी को किस लेवल पर बाई करना है फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का नजरिया है। BHEL और संवर्धन मदरसन, इन दोनों स्टॉक्स को किस लेवल पर खरीदा जाए अगले 1 साल के लिए? किरण जी संवर्धन मदरसन की हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि ऑटो एंसिलरी इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो संवर्धन मदरसन एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 190 का बन रहा है, अगर 190 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो ये फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू रह सकती है और ऊपर में आपको 230 से 240 तक के रिटर्न्स दे सकती है। संवर्धन मदरसन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। 190 के स्टॉप लॉस से आप करंट मार्केट प्राइस से बाई कीजिए। अगर मैं BHEL की बात करूं तो BHEL में थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह मैं दूंगा। एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कोई ऐसी बुलिश पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है तो चांसेस है कि ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में जाए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए BHEL के अंदर। लेकिन संवर्धन मदरसन आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए 190 के स्टॉक के साथ। ओके गॉट दैट।